हेलो एवरीवन, मैं नीतीश। आप देख रहे हैं एग्जाम टिक रेलवे एएलपी टेक्नीशियन पैनल। बड़ी खुशखबरी आरआरबी मालदा जोन से। जी हां, आईटीआई टेक्नीशियन का पैनल जो है थर्ड वो जारी किया गया है। साथ में जो है एएलपी और पीसीएम का भी पैनल लिस्ट जारी किया गया है। स्टैंड बाय लिस्ट को मौका मिला है या नहीं, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा न समय लेते हुए दोस्तों चलते वीडियो की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि डिस्प्ले पर देख सकते हैं, मैंने जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मालदा का जो पैनल आया है रिसेंटली ओपन कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन फर्स्ट स्टेज सीवीटी हेल्ड फ्रॉम 9/8/2018, आपका सीवीटी जो है फर्स्ट स्टेज वो 9/8/2018, 31/8/2018 एंड 4/9/2018 को हुआ था। सेकंड जो है आपका सीबीटी हुआ था 21/1/2019 टू 23/1/2019 एंड 8/2/2019। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हुआ था 10/5/2019 एंड 21/5/2019। After successful document verification and medical fitness, the candidate with the following roll number have been provisionally impaneled against various post of technician, grade 3rd and ALP. जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सक्सेसफुल हो गया है, उन सभी फॉलोइंग रोल नंबर को जो है इम्पैनल किया गया है प्रोविजनली टेक्नीशियन और ALP पोस्ट का। देयर नेम आर बीइंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे एंड पर्सनल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ ईस्टर्न रेलवे आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन एंड इंश्योरिंग फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू CA नंबर 01/2018। आपका जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में, ना कि मेरिट के ऑर्डर में है। सबसे पहला जो पैनल जारी किया गया है कैटेगरी नंबर 126 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ER जोन से 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी नंबर 59 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फिटर SER जोन से टोटल जो है 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद 134 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल ER जोन से 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। उसके बाद जो है आपको कैटेगरी नंबर 134 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल SER जोन से टोटल जो है 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद जो है कैटेगरी नंबर 136 SER जोन से टेलीकम्युनिकेशन 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 137 ट्रैक मशीन, आपका जो है SER जोन से टोटल 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कैटेगरी नंबर 54 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd TRS ER जोन से टोटल 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 34 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल मैकेनिकल से जो है ER जोन से 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया। उसके बाद जो है कैटेगरी नंबर 35 से ER जोन से 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। कैटेगरी नंबर 62 फिटर से जो है आपका 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2 ALP से जो है ER जोन से टोटल 38 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद आपका कैटेगरी नंबर 1 ALP से जो है ER जोन से टोटल 40 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद आपका पोस्ट 1 ALP से ही है, लेकिन जोन जो है SER से टोटल जो है यहाँ पे 43 कैंडिडेट को टोटल शॉर्टलिस्टेड किया गया है SER जोन से ALP में। उसके बाद आपका कैटेगरी नंबर 47 से टेक्नीशियन ग्रेड 3rd इलेक्ट्रिकल पावर ER जोन से टोटल जो है 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 31 से डीजल इलेक्ट्रिकल से ER जोन से 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कैटेगरी नंबर 14 से ब्रिज ER जोन से टोटल जो है 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। फिर कैटेगरी नंबर 47 से इलेक्ट्रिकल पावर SER से 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3rd TRD SER जोन से जो है 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कैटेगरी नंबर 25 कैरेज एंड वैगन से ER जोन से जो है आपको 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 31 डीजल इलेक्ट्रिकल SER से 1 कैंडिडेट को किया गया है। कैटेगरी नंबर 54 TRS SER जोन से जो है 18 कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 75 SER जोन से जो है 2 कैंडिडेट को किया गया है। कैटेगरी नंबर 49 ट्रेल लाइटिंग जो है आपको इलेक्ट्रिकल से ER जोन से 3 कैंडिडेट को किया गया शॉर्टलिस्टेड। उसके बाद कैटेगरी नंबर 62 से फिटर SER जोन से 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। कैटेगरी नंबर 149 वेल्डर ER जोन से 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कैटेगरी नंबर 34 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल मैकेनिकल ER जोन से 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। पैनल जो है टेक्नीशियन पैनल 3 में जिन सभी कैंडिडेट को जगह मिली है PCM ALP टेक्नीशियन IIT वेरियस पोस्ट वाले, उन सभी को एग्जाम ट्रिक परिवार की ओर से बहुत बहुत
बधाई हो और कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस पैनल में कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और किस जोन में जो कितनी सीट किस पोस्ट की बाकी है, एएलपी के कितने हैं, आईटीआई टेक्नीशियन वाले के कितने, पीसीएम वाले के कितने हैं और किस जोन में कितनी वैकेंसी जो है खाली है। स्टैंड बाय लिस्ट को अगर मौका मिला है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पैनल लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि स्टैंड बाय लिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिली है।